आशीष सोलंकी स्टैंड अप कॉमिक हैं, वो अमेज़न प्राइम वीडियो के कॉमेडी शो कॉमिस्तान 3 के विनर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रिटी गुड रोस्ट शो नाम का रोस्ट शो शुरू किया। अब तक प्रिटी गुड रोस्ट शो से करीब 4 एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज हो चुके हैं। इन एपिसोड्स में आकाश गुप्ता, अनुभव सिंह बस्सी, हुमा कुरैशी और फ्लाइंग बीस्ट उर्फ गौरव तनेजा मेहमान रहे हैं। मगर इस शो के 5वें एपिसोड को लेकर भारी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है। बताया जाता है कि इस एपिसोड में जिस गेस्ट को बुलाया गया था वो अपनी रोस्टिंग से आहत हो गए और एपिसोड से अपना पूरा हिस्सा कटवा दिया। फिर भी मन नहीं माना तो कथित तौर पर धमकी देकर वो पूरा एपिसोड ही यूट्यूब से डिलीट करवा दिया। हुआ ये कि प्रिटी गुड रोस्ट शो के 5वें एपिसोड को द मिसिंग गेस्ट नाम से यूट्यूब पर डाला गया। इस एपिसोड के दौरान कहीं भी उस गेस्ट का नाम नहीं लिया गया, मगर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर लोग जिक्र करने लगे कि ये मेहमान अश्नीर ग्रोवर ही थे। फिर एक्स पर लोगों के पोस्ट का अंबार लग गया, जिसमें वो अश्नीर की आलोचना करने लगे। जिस एक्स हैंडल पर इस शो की क्लिप डाली गई थी उसे भी अश्नीर ने ब्लॉक कर दिया। अब तक अश्नीर ने किसी भी तरह से इस बात का खंडन नहीं किया है कि जिस रोस्ट शो के जिस गेस्ट की बात हो रही है वो खुद अश्नीर नहीं है। अगर वो ऐसा कुछ कहते हैं तो उसे हम अपनी वीडियो में और स्टोरी में अपडेट करेंगे और आप तक वो जानकारी ज़रूर पहुंचाएंगे। इस शो का कॉन्सेप्ट ये है कि जब मेहमान को बुलाया जाता है तो उसके इंट्रोडक्शन में कुछ जोक्स, कुछ रोस्टिंग की जाती है। इन्हीं से लोगों ने अनुमान लगाया कि ये गेस्ट अश्नीर ही थे। इंट्रो में आशीष कहते हैं कि ये व्यक्ति अपनी ही कंपनी से निकाले गए। यहां इशारा संभवतः भारत पे की तरफ था। अश्नीर ने ही इस ऑनलाइन पेमेंट ऐप की शुरुआत की थी और फिर कंपनी से निकाले गए। आशीष एक और क्लिप में अपने गेस्ट को माला पहनाते हुए कहते हैं, पहली बार आपको किसी शो से धक्के देकर नहीं निकाला गया। यहाँ इशारा शार्क टैंक रियलिटी शो की ओर था, जिससे अश्नीर को इज्जतदार एग्जिट नहीं मिली थी। इसी शो में वो बतौर इन्वेस्टर दिखकर मशहूर हुए थे। इस शो में वो खुलकर बेबाक बोलते थे। रोस्ट कॉमेडी की एक विधा होती है, जिसमें होता क्या है कि एक मेहमान या गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाया जाता है, कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर गेस्ट उन कॉमेडियंस का मजाक उड़ाता है। ये सब उस गेस्ट की मंजूरी के साथ होता है। साथ ही अमेरिका के महानतम रग्बी प्लेयर्स में गिने जाने वाले टॉम ब्रेडी का रोस्ट हुआ, जिसे नेटफ्लिक्स पर द रोस्ट ऑफ टॉम ब्रेडी नाम से लाइव स्ट्रीम किया गया, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। इसमें तारीफें और आलोचना दोनों शामिल हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आशीष सोलंकी के प्रिटी गुड रोस्ट शो के 5वें एपिसोड की। इसमें शो से जुड़े कुछ लोगों ने बात की है। एक सूत्र ने पहचान न जाहिर करने की शर्त पर स्वीकार किया कि उनके मेहमान अश्नीर ग्रोवर ही थे। अब ये सवाल उठ सकता है कि अगर अश्नीर ने अपना हिस्सा उस शो से हटाने को कहा था तो वो इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा क्यों गया? ये जानने के लिए दी ललन टॉप ने इस शो के क्रिएटर और रोस्ट मास्टर आशीष सोलंकी से बात की। आशीष ने पूरी बातचीत में एक बार भी अपने गेस्ट का नाम नहीं लिया। उन्होंने बताया, हमारे शो का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम गेस्ट के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं, फिर पैनलिस्ट को बुलाते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर हम 5वें एपिसोड में सीधे पैनलिस्ट को बुला लेते तो वो बहुत अब्रप्ट लगता, इसलिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी था। और हमने उस जोक के दौरान कहीं भी किसी भी शख्स का नाम नहीं लिया, ना ही कोई ऐसे जोक्स हैं जहां पिन पॉइंट किया गया है कि ये किस आदमी की बात हो रही है। जैसा कि हमने बताया, ये पूरा मसला समझने के लिए हमने आशीष सोलंकी से बात की। आशीष ने बताया कि उन्होंने अपने मेहमान को पहले ही बता दिया था कि ये शो इस तरह का होने वाला है, अगर उन्हें किसी हिस्से से आपत्ति होगी तो वो उसे यूट्यूब पर पोस्ट करने से पहले हटा देंगे। बकौल आशीष, ये सब कुछ हमने शूट कर लिया था फरवरी में। मैंने उन्हें बताया कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए हमने गेस्ट को इन्विटेशन भेजा था, उन्हें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, गेस्ट बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ हाँ, मैं जानता हूँ रोस्ट क्या होता है, मैं तुम्हें भी जानता हूँ, मैंने तुम्हारा काम देखा है, मैं बिल्कुल ओके हूँ। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, वो भी अच्छा करेंगे, सब कुछ ठीक था। रोस्ट वाले दिन भी मैंने उन्हें बताया था कि जोक के प्रति सबका रिएक्शन अलग अलग होता है, हर व्यक्ति अपने ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ले पाता। मैंने कहा था कि लाइव शो में आप आराम से एंजॉय करिए, जो आपको ठीक नहीं लगेगा वो हम बाद में हटा देंगे। वो मान गए थे। शो बहुत अच्छा हुआ, सबको पसंद आया, ऐसा लगा कि उन्होंने भी एंजॉय किया। मगर शो खत्म होते ही उनके साथ जो टीम आई थी उन्होंने बोला कि कुछ हिस्से हैं जो उन्हें ठीक नहीं लगे, मगर गेस्ट ने कहा कि वो अपनी टीम को समझा लेंगे। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। अगले दिन सुबह गेस्ट का फोन आया, उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो बाउंड्री के पार गई हैं, वो नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मुझे बार बार कहा कि ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए इंटरनेट पर। मैंने उन्हें कहा कि इनमें से आपको जिन भी चीज़ों से दिक्कत है उन्हें हम हटा देंगे। आशीष सोलंकी ने बताया कि उन्होंने अपने गेस्ट को फोन करके माफी भी मांगी, क्योंकि एक होस्ट के तौर पर उनकी जिम्मेदारी अपने गेस्ट को कंफर्टेबल फील करवाने की थी। अगर वो ये नहीं करवा पाए तो ये उनकी गलती थी।
प्रिटी गुड रोस्ट शो के पांचवें एपिसोड के रोस्ट मास्टर भी आशीष ही थे। हालांकि उनका रोस्टिंग पैनल हर एपिसोड में बदलता रहता है। अश्लील ग्रोवर को रोस्ट करने वाले पैनल में रवि गुप्ता, गौरव कपूर, जसप्रीत सिंह और गौरव गुप्ता जैसे कमेडियंस शामिल थे। अश्लील ने आशीष के साथ साथ इन चारों कमेडियंस पर भी कथित तौर पर केस करने की धमकी दी है, जिसकी वजह से आशीष को अपने यूट्यूब से वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। आशीष ने गेस्ट का नाम ना लेते हुए आगे बताया, एक महीने बाद मुझे गेस्ट का मैसेज आया कि बीच का रास्ता निकालते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि उस एपिसोड का एक ऐसा कट बनाकर भेजो जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैंने उनको वो कट भेज दिया। उस कट में से भी उन्होंने 18-20 जोक्स हटाने को कहा, जिसके बाद उसमें कुछ बचा ही नहीं था। फिर उन्होंने खुद ही बोल दिया कि यार हटा ही दो, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हट गई तो कोई फ़ायदा नहीं है YouTube पर डालने का। आशीष बताते हैं कि उन्होंने गेस्ट का हिस्सा हटाकर एपिसोड अपलोड करने का मन बना लिया था। हालांकि अगर वो पूरा शो आता तो उनके गेस्ट अच्छे दिखते, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काफ़ी अच्छे से जोक्स लिए थे। तो आशीष कॉमेडियंस का आपस में रोस्टिंग वाला हिस्सा YouTube पर अपलोड करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी इस शो में लगा दी। अगर वो एपिसोड नहीं डालते तो उन्हें काफ़ी नुकसान हो जाता। मगर इससे भी अश्लील और उनकी टीम को दिक्कत थी। आशीष बताते हैं, वीडियो YouTube पर आने के 4 घंटे के बाद गेस्ट की टीम ने दोबारा मुझे कॉन्टैक्ट किया। इस दौरान उन्होंने मुझे प्रॉपर धमकी दी, कहा कि 20 मिनट के अंदर ये हटाइए वरना आपके ऊपर केस करेंगे। उन्होंने 5 अलग अलग तरह के मामले बताए जिसके तहत केस करने की धमकी दी। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि कहीं भी आपका नाम, चेहरा या कुछ भी दिखे तो मुझे बताइए, मैं वो हिस्सा हटा देता हूँ। कमेडियंस अगर कमेडियंस को रोस्ट कर रहे हैं तो उसे वो कैसे हटवा सकते हैं? वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इस एपिसोड का कुछ भी नहीं जाएगा, उनसे जुड़ा कुछ नहीं जाएगा, ये वो डिसाइड कर सकते हैं? जब उन्होंने ये धमकी दी कि वो मेरे साथ साथ मेरे पैनलिस्ट कमेडियंस पर भी केस कर देंगे, वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। वो कमेडियंस उतना परफॉर्म करने के लिए लाखों चार्ज करते हैं, उन्होंने वो फ्री में इसलिए किया क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं। मैं उन लोगों पर केस करवाकर परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपना वीडियो यूट्यूब से हटा दिया। हमने आशीष को पूछा कि क्या इस एपिसोड के वापस YouTube पर आने की कोई उम्मीद है। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा हो पाना मुश्किल है। हालांकि उनके प्रिटी गुड रोस्ट शो के अगले कुछ एपिसोड जरूर आएंगे। इस शो के टोटल 7 एपिसोड आने हैं, इनमें से 5 आ चुके हैं। YouTube पर 5वां एपिसोड नहीं देख पाएंगे, मगर बाकी 4 एपिसोड आप आशीष सोलंकी के YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।